पे मस्तानी बताना क्या हुआ? हमने तुम सबसे कल पैसा मांगे, तुमने मैं पैसा दे मना कर दी। तो पैसे तो मिल जाएंगे, नीचे तो उतर जा। जब तक हमें पैसा नहीं मिल जाए हम नीचे नहीं उतरे, हमने कसम खाई है आज। आरा ना आरा, नीचे पहले। ऊपर की चढ़ा बताएगा अभी। भैया हमें पैसा चाहिए यार। तो पेड़ पे चढ़ने से पैसा मिल रहे हैं? तो मेरी मम्मी ने कही थी पैसा तो पेड़ पे लगा था, हिला ले जाए। पर मस्तानी पैसा चाहिए क्यों है? हम नहीं बताए भैया, थोड़ी पर्सनल बात है। तेरा कच्छा में जितने छेद है ना वो भी बताओ हमें, आया बड़ा पर्सनल वाला, बता क्या बात है? ए बकरा पहले हाथ पीछे कर। भैया आज हमारी क्लास की एक लड़की जन्मदिन है, तो बाकी जन्मदिन को हमें केक कटवाने, अगर हमने केक ना कटवा तो कोई और कटवाए दिए, पर जो केक कटवा बाइक सेटिंग हो जाइए, हम ऐसे ही रह जाए फिर। मस्तानी यार तू क्यों दिक्कत ले रहा, तो क्या जरूरत है केक कटवाने की? तू बस मो नाम बता लो इंडिया को, मैं अपने आप की कटवा लूंगा। अरे यार तू ही क्यों दिक्कत ले रहा, केक तो मैं ही कटवा दूंगा ना। कटवाओ कटवाओ, सबके केक कटवाओ, जय मारे, तुम्हें कोई बात नहीं बताता हम। हाँ तो ऐड की रहो, तू ही कटवा दियो केक, हमें बता क्या करना। भैया देखो हम जाए जन्मदिन मनान, तो हमें चाहिए पैसा, कपड़ा, मोटरसाइकिल। यहाँ पिछले 6 महीने से 100 के नोट ना देखा, इन्हें पैसा चाहिए। ठीक है भैया फिर कोई बात नहीं, जा रहे हम। राम राम। अरे यहाँ कुआ जा, हम करवा रहे हैं तेरा जुगाड़। अरे बकरा कल को अपनी मोटरसाइकिल दिखाते। और हाँ तू नए कपड़े दे दियो अपने यहाँ। और पैसा? ए, हम पे ना पैसा वैसा। कपड़ा और मोटरसाइकिल तो हम दोनों दे रहे हैं, कम से कम पैसा दे दो। और अगर तुम पैसा दो ना तो मैं भी दो अपने मोटरसाइकिल। हाँ हाँ दे देंगे पैसा, मैंने कौन कर रहा, बता क्या बची है? भैया बस 1000। 1000? और का इतने रुपए का क्या करेगा? भैया 500 रुपए तो केक ही होएगा, फिर मोमबत्ती, गुब्बारे, झूमर और मोटरसाइकिल में 100 रुपए तेल डरवान पर है, और 100-200 रुपए जेबों में तो है वो चाहिए। बहुत बढ़िया मस्तानी, अब करवाओ पैसा, हमारी चीज तो बटवा दी। हाँ हाँ करवा देंगे, ऐड कैसे रहा हो? तो कैसे ऐड रहा, अभी करवा देंगे, मुआवजे मिला पापा 150 बीघा जमीन को। और हाँ तुम दोनों कपड़ा और मोटरसाइकिल मेरे घर दे जाओ, चलो। हेलो बाबू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू मेरी रजनी। भाई यार कौन सा करा जावे पैसा का जुगाड़, पापा के 2 पौआ रखे उन्हें बेच दे रहे हैं। 2 पौआ बेच के 8 रुपए आने के, हमें चाहिए 1000 रुपया, कम से कम पापा की साइकिल बेचनी पड़ेगी। साइकिल के बारे में तो सोच ही मत ना लियो, और अभी वहां साइकिल की सोच रहे जाके चैन टूटी पड़ी है, कैरियर टूटा पड़ा हुआ का, बाकी पेंडल में निकाल के जो ना हमें फिट कर देंगे पापा जब चलेगी साइकिल भी। अरे यार तो एक काम कर, पापा का हुक्का बेच दे रहे, 500 रुपए का हुक्का, 20 रुपए का तमाकू पड़ा, 520 रुपए का तैयार रखे। हाँ गैल सोच रहे हुक्का बेच दे रहे, ये नारे हम से काट के जो ना चिलम पे धर के तमाकू भर के गैल पी जाएंगे। कह रहा हुक्का बेच दे, मैं तो कौन सा लाऊं यार पैसा, एक काम कर स्कूल की फीस मांग लूं। 9 देवे। ट्यूशन की फीस? 9 देवे। लत्ता लाने को? 9 देवे। कह दूं कच्चा भटका? अरे 9 देवे यार। एक काम कर लोंडिया के ब्याह में कन्यादान को ले लेवे। हैं? लोंडिया के ब्याह में कन्यादान को? हैं? लोंडिया के ब्याह में कन्यादान को? लोंडिया के ब्याह में कन्यादान को मिल गए ना? मिल गए। अब एक काम करेंगे, पापा से कह देंगे पापा एम्पलीफायर की लौंडिया की शादी है, 501 रुपया कन्यादान को दे दो, और 501 ले लेंगे मम्मी से, हो गए 1100 रुपया। एक छोरी मन्नर मार गई करिए शिवा कार गई। पापा जी नमस्ते। नमस्ते। हाँ बताओ। और सुनो पापा जी ठीक हो तुम? हाँ वैसे ठीक हूँ, बस थोड़ी दवाई की कमी चल रही है। कौन सी दवाई पापा? अरे मेरी पर्सनल दवाई। समझ गए पौआ कह रहे हो। हाँ ज्यादा समझदार मत बनो, ना तो गुद्दू पे लगेगा अभी। कौन बताओ कहा? अरे कुछ ना पापा, उन्होंने अपना एम्पलीफायर। हाँ हाँ कहा वो, निपट को। ए, पापा जी मार पहले दे करो तुम, निपटो ना है बाकी लौंडिया का ब्याह है। अरे बाकी लौंडिया का ब्याह तो 2-3 साल पहले ही हो गया पापा, बाकी दूसरी लौंडिया है वहाँ का ब्याह है अब। यार मोनो पता बाकी दूसरी लौंडिया कब होगी, चल होगी होगी लॉकडाउन में। हाँ तो पता पड़ गई, तलाओ फटाफट 501 रुपए दे दो, कन्यादान करने जाना। 500 रुपया? 100 रुपए पड़े पप्पे उन्हें ले जा। ए पापा 50-100 रुपए भी तो कन्यादान हो करे, 500 रुपए दो कम से कम। अरे वैसे भी जितना ज्यादा आज दोगे उतने मिल जाएगा कल को। तो एक काम कर 251 रुपए ले जा। पापा जी बेइज्जती करवाओगे हमारी, जाए साहब तुम्हारा रुतवा है ना, तुम्हें 2100 रुपए देने चाहिए, वो तो हम तब भी 501 मांग रहे हैं। यार बात तो सही कह रहा हूँ तू,
गम में इज्जत है स्मैक डैड की, लो ले जाओ पैसा। और वैसे नाम कहाँ लिखवाऊंगा मैं? नाम लिखवाएंगे नितिन मृदुल का पापा स्मैक डैड फ्रॉम सूरजपुर ग्रेटर नोएडा। बहुत बढ़िया बालको, आज तो तुमने मेरा नाम ही रोशन कर दिया। अब यही बात मैं तुम्हें एक शायरी सुनाना चाहता हूँ। शायरी सुना सुना, वैसे बहुत दिन हो गए बाबा। पैसा तो हाथ को मेले और कमा लेंगे बाबा, बाबा। पैसा तो हाथ को मेले और कमा लेंगे, तुम खुल कर करो खर्चा बाबा, बाबा। बस थारे बाप का नाम नहीं चलता रहे वे, होनी चाहिए पूरा गांव में चर्चा। बाबा पापा जी मौत कर दी तुमने तो कतई, मजा आएगा बाप हो तो कतई तुम्हारे जैसा। फुल चर्चा होगी 500 रुपया ले। इसमें अब देखता नहीं जिएगा मौज में, क्योंकि ब्रांडन की कॉफी ना होती। पैसा मिल गए पर यार ये तो 500 ही मिले हैं। कोई बात नहीं, तो 500 पापा पागल बना के ले लिए, 500 मम्मी पागल उड़ा देंगे। ओ बेटे बहुत तगड़ा सोच रहा है यार तू तो। अरे यार मस्ता नहीं है, पैसा तो दे नहीं है कैसी करके। चल ठीक है कोई दिक्कत ना, कर ले रहे जुगाड़। मम्मी पता नहीं लगनी चाहिए। ठीक है ठीक। वैसे भाई 500 रुपये में गर्मी बहुत हो गए। कैसा है देख ला, इतनी ठंड में वो ठंड भी नहीं लग रही, और अगर मम्मी ने 500 रुपये और दे दिए तो हो जाएंगे 1000, फिर तो मैं बावड़े हो जाऊंगा भाई। पर एक बात है, अब जैसे लेके जाऊंगा मस्त इंदौर 1000 रुपया, उन्हों का आएगा भाई इंदौर तो बहुत पैसा है, नौ हो जाएगा क्षेत्र में। हमने पहले ही बता रहा कि मुआवजा मिला। मम्मी को बुलाऊं? बुला। मम्मी। ओ पापा की बहू। कौन है यू पापा की बहू वाला? हाँ मैं, हम पापा की बहू की औलाद। कैसे अकल बेच के आयो? अकल है कौन में जो बेच के आएंगे, हम तो मूंगफली बेच के आए। गला क्यों फाड़ रही है? रे मम्मी गला ना फाड़ रहे, हम पापा ने भेजे कि अपनी मम्मी पे 500 रुपए ले ले। 500 रुपए? तेरे बाप ने यहाँ पेड़ लगा रखा पैसा उनका। अरे मम्मी बहनो तिलपता के भाटी जी, एम्पलीफायर भाटी, उनकी लौंडिया का ब्याह है आज सोच को, तो कन्यादान को 501 रुपए दे दो। एम्पलीफायर की लौंडिया? वाकई तो एक ही लौंडिया ही, जाकर 2 साल पहले ब्याह होगा। अरे मम्मी 2 साल पहले एक लौंडिया और हुई, वाकई ब्याह अब। अच्छा 2 साल की लौंडिया का ब्याह होता होगा? ना ना मम्मी 2 साल पहले ना हुई, 2 साल पहले गोद ली जब हुई 18 साल की, अब होगी 20 साल की, यह हमारा ब्याह है उसका, 501 रुपए दे दो प्लीज। ये एम्पलीफायर की बुद्धि खराब हो रही है, रोज के रोज लौंडिया गोद लेते रहे, यहाँ हमारा खर्चा बढ़ाते रहे। मम्मी कन्यादान के नाम पर कंजूसी करना ना बहुत गलत बात है। और कन्यादान के नाम पर झूठ बोलना तो बहुत ही बड़ा पाप है मम्मी। ओवर एक्टिंग मत कर, रुक जा। झांसा कार्ड को हूँ। कार्ड मम्मी पापा पे है। कार्ड पे भरोसा करोगे? हम पे तो भरोसा ही नहीं है। बस बस ज्यादा ड्रामे नहीं करने की जरूरत ना है, ऊपर आके पैसा ले जाओ। आ रहा हूँ। बूढ़े हो गए रो रहे हैं यहाँ। मजे आ गए पैसा मिल गया। मम्मी आज बाहर बना के ले लिए पैसा। मिल गया पैसा। अब एक काम करूंगा, फोन कर दे रहा हूँ मैं, है ना, जल्दी कर। हेलो बकरा, एक काम करो फटाफट पुलिया पे आ जाओ, पैसा मिल गया मो। अच्छा तुम आ गए, ठीक है हम भी आ लिए, 2 मिनट मान लिए बस, ठीक है आने दिन। मस्तानी लत्तान में तू बड़ा एकड़ लग रहा है यार। अरे थैंक यू भैया, थैंक यू यार। अरे सुन कई चीज की दिक्कत मत लियो, 100 रुपये का तेल गिरवा दिया मोटरसाइकिल में, खूब घूमियो। अरे थैंक यू यार। मस्तानी तू मेरी शर्ट पहन कर जाएगा ना, वो तो नुई पट जाएगी क्योंकि शोरूम की है। देख तेरी तो हमने शर्ट पहन ली और 9 चश्मा लगा लो, और हनुमान जी को प्रसाद और बोल दो हमने, अगर मेरी सेटिंग हो गई तो 21 रुपये प्रसाद चढ़ा दी हाल ही। अरे यार प्रसाद तो तू चढ़ा दियो, पर जब तू केक काटे ना तो थोड़ा सा केक बचा लिया हम दोनों को। ना भाई यार केक तो नहीं ले आए पाए यार हम। उतर। लेते हैं ले आए हैं। पकड़। 1000 रुपया। भैया इतनी तेज ना मारो करे, बहुत तेज लग जाते। अरे 1000 रुपया में थप्पड़ भी नहीं खा सके हमारे। लेकिन भैया तुम हमें एक चीज बताओ, तुम्हें 1000 रुपये मिल कहाँ गए? कहाँ कह रहे हो, कैसे मिल गए? बेटा मैं गया घर, मम्मी बैठी, मैंने की मम्मी नुकेरी हाँ, मैंने की 1000 रुपया नुकेरी क्यूँ, मैंने की मस्ता नीचे तो नुकेरी ले। भैया सही में आंटी ना मेरे नाम पे पैसा दे दे। अरे और कहा यार। भैया हमें नहीं पता, तो आंटी इतनी अच्छी है, मन करो बच के 5 हो जाए। ना ना एक काम कर, मम्मी की तो हम झूलेंगे, तू हम दोनों के झूले। ये तू फटाफट जाकर अपना काम कर यार, फिर शाम को दावत पे लेनी तो पैसो। ठीक है भैया जाए रे। अरे गेट खोलियो।
अरे बाबू गेट खोलियो यार। आगे जी आप। हाँ आगा, भूख लग रही बहुत जोर की, रोटी बना लो फटाफट। रोटी क्यों बनानी है, आप दावत में ना जाओगे? दावत? किसकी दावत? अरे एम्पलीफायर की लौंडिया का बयान है आज। पूरा? तो कैसे बताओ? अरे तुम नहीं तो भेजे बालक कन्यादान के पैसा लेने को। अरे मैं क्यों भेजूंगा उन्हें 500 रुपया को? मौका तो गरीब मान नहीं है, मैंने दिए उन्हें 500 रुपया। तुमने दिए पैसा? मैं तो नू कह रहे कि पापा ने कहीं मम्मी से पैसा ले आओ। अरे मो लगे उन्होंने तो सु भी ले लिया और मो सु भी ले लिए। अच्छा अब समझी मैं, इनने झूठ बोल के पैसा लिए, मो तो पहले ही शक है इन पे, एम्पलीफायर की तो एक ही लौंडिया है। ए ना ना मो लगता अपने बालक झूठ बोलेंगे, बहुत बढ़िया बालक है अपने। अच्छे बच्चे कुछ ना होवे, तुम्हें पागल बना देवे, तुम अभी जाओ एम्पलीफायर के घर पे देख के आओ ब्याह है या ना। अरे ठीक है जा रहा हूँ, पहले नहीं आ रहा तो खेल लूं। अरे इन्हें तो मैं घेर दूंगी, तुम जल्दी जाओ, वे पहचान में आग लगा देंगे जब तक। इधर जा रहा हूँ, मेरी फूफी अपना राय का भी। हाँ जी भाई साहब। अरे यहाँ हुआ? हाँ जी भाई साहब बताओ। अरे मैंने सुनी आते लौंडिया के ब्याह दिखे। अरे भाई साहब कैसी बात कर रहे हो, लौंडिया के ब्याह में तुम्हें ना बुलाएंगे वाला? मैंने सुनी जो 2 साल पहले तेने लौंडिया गोद ली, तो ब्याह कर रहा हो तू? भाई साहब हम क्यों गोद लेंगे, हमने तो एक को जैसे तैसे ब्याह करो है। चल ठीक है अब समझ गया मैं। पर हो क्या है भाई साहब? कुछ ना कुछ ना, तो तक इधर फुर्सत से बताऊंगा, बस 2 लौंडा सुनी बट लू। हेलो 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 यार, कहाँ रह गई तुम? मम्मी रस्ते में ठाड़े। सॉरी यार बाबू मैं नहीं आ सकती आज। यार जा, कौन सी बात भाई, और आयो काहे नहीं? यार बस थाने मेरे ना भैया आ गए, वरना मैं तो आ ही रही थी आपके पास। भैया आए गो और हम तो आए गए हैं, मारे तेरे भैया ये सवाय बयाल। यार बाबू समझो ना, मैं भैया के सामने घर से बाहर नहीं निकल सकती। हमें नहीं पता कछु, हमें तो खर्चा करके आए हैं, आने तो तुम्हें देखो पड़े हैं। अगर तुम आज ना मिले तो वो मिल मत जाइयो, ना तो जहाँ मिल गई वहीं मारे हैं तुम्हें। यार अब इन पैसन को क्या करें, जैसे तैसे तो पैसा मिले थे, एक काम करें अंटिक वापस करें हैं, तो अगली टाइम टाइम पे मिल जाए। नितिन मृदुल की मम्मी। हाँ जी। अरे सुनिए ना। आ रही हूँ। हाँ जी मिले कहीं बालक? बालक तो ना मिले, पर तू गई। मैं कहाँ जाऊंगी? तो भेजूंगा मैं अपनी भैरव के ब्याह में, बस तुम बोलो बता तेरे 500 रुपए दिया कैसे उन्हें। अच्छा मेरे 500 रुपए देख रहे, और जो तुमने दिए उनका कहा? मैं तो ऐसे ही दूंगा, पर तेने कुछ दिए, तू कहीं कमा कर आ रही है? ज्यादा बहस मत करे कर, ना छुट्टे पकड़ घुमा दूंगा। तो तुम कौन सी ड्यूटी कर रहे हो, उपला और दूध तो मैं ही बेकू। वैसे भी मैंने 500 रुपए कब से जोड़ के रख रखे कि मैं दादरी से सूट लेके आऊंगी। वो मेरे पैसा वापस चाहिए, जब तक मौसू बात करने की जरूरत ना है। चली जा मौसू, अपने 500 रुपए दिखाई दे रहे हैं बस। अंटे
मस्तानी। आंटी नमस्ते। नमस्ते, हाँ बता, नितिन मृदुल से मिलने आया होगा? ना आंटी, उनसे क्या मिलवे आए हैं, हम तो तुमसे मिलवे आए आज। बहुत सुखा ले तू। आंटी तुमने एक दिन कहे 1000 रुपया दे दे, हमें बहुत अच्छा लगो आंटी, हमने तभी सोच रही थी आज आंटी घर जाए और 500 के आए हैं। पैसा? कौन सा पैसा? बेई पैसा जो भैया ने लेते हमारे लिए। अच्छा हाँ हाँ हाँ। तो पैसा बच गया, सोची आंटी वापस दे आए, अगली बार मिलते मुझे काम पे। ला 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 बेटा। अच्छा बेटा, तो ये पैसा तेरे मारे गए हैं? तू ये नौस की जड़। मतलब आंटी? मतलब नितिन मुर्दुल ये पैसा मोसे झूठ बोल के लेके गए। तो आंटी जा, मैं हमारी का गलती है, वे तो हम बचा कर एक मिनट में पैसा दे देती मम्मी हमें। अब तू एक काम कर, वो एक मिनट में उनके धोरे लेके चल, अब मैं बताऊंगी किसकी गलती है। घुमा मोटरसाइकिल। यार एक मैं बताऊं, मस्तानी की सेटिंग होगी ना तो अपना भी एक बहुत तगड़ा फायदा। मस्तानी की सेटिंग होते ही बाकी एक दोस्त है कोमल नाम की, वह मैं पटा लूंगा। यही मारा मैंने, वहाँ 500 रुपए दिए। 500 रुपया हमने भी दिए, सेटिंग हम भी कर सके हैं, वास्तु समझ का। ओ भैया, यही मारे जो ना, मैंने अपनी मोटरसाइकिल दिया ताकि कोमल से मैं सेटिंग कर सकूं, तुम कहां लग रहे हो लाइन में? यार सेट भी तो मैंने सेटिंग के मारे ही दिए। वहाँ एक काम करो, तुम ही कर लो, मैं तो घर को चला जा रहा हूँ। अरे कर लेंगे, सारे कर लेंगे यार, जिस पर पटागी वो पटा लेगा, क्यों दिक्कत ले रहे हो? भैया मैं ही पटाऊंगा। ओ मस्तानी और मम्मी, जल्दी चला। मम्मी क्या सारी है गेल? रोक जा बस। मम्मी तुम मस्तानी गेल कैसे? बेटे मेरी तो छोड़ दो, मैं तो नू पूछने आई हूँ, तुम्हें ब्याह में ना जाना। ब्याह में जाएंगे ना, अभी जाएंगे, अभी टाइम हुआ, अब घर आएंगे, पहले नए लत्ता पहनेंगे फिर जाएंगे मम्मी। अच्छा, और पैसा कहाँ? पैसा धरे हैं जेब में, धरे ये मेरे दोनों जेब में रखे हैं, ये रहे पैसा। फिर बेटा यू कहा, कन्यादान तो मेरे धोरे है। कन्यादान तो गलती से घर छूट गएगा। मम्मी लाओ, दे दो हमें, दे दो लाओ। कन्यादान के नाम पे तुम लफड़पंती को पैसा मांग के ले जा रहे हो घर से? ना मम्मी, सच में कन्यादान को लिए, ये मस्तानी है ना, लो ये अपनी कन्या से मिलने जा रहा हूँ, तो हमने अपने पैसे दान में दे दिए, बेचारे का घर बस जाएगा मम्मी हमारे लिए बस। अपने घर की परवाह ना तुम्हें, दूसरे इनके घर की परवाह।